जयकारा श्रीरामवाली दा कुल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड सर्वकार्य विदायिने कलोनि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं प्रयन्नत देव्यो वाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेषु साधनम् मया तवैव स्नेहेन प्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते। ॐ अच्च श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषे अनुष्टव छन्दः श्रीमहाकाले महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थम् सप्तश्लोके दुर्गापाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजयदाते देवी भगवती रस बलादाकृश्च मोहाय महामाया प्रयश्यते दुर्गे स्मिता हर्षभेषमशेषजन्तो स्वस्थे स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते शरणागतदेनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवे नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयभक्त्रायिनो देवे दुर्गे देवे नमस्तुते रोगान् शेषान् अपहास्य दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानाम्नभिपर्णराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरे एवमेव त्वया कायम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रकारमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेशने ॐ सदीसाध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आया दुर्गा जया जाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणि पिनाकधारिणि चित्ता चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताजिने सर्वमन्दामये सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गते शाम्भवे देव माता च चिन्ता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या रक्षकन्या रक्षयज्ञा विनाशने अपर्णाने सवर्णा च पाटला पाटलाभदे पट्टाम्बरपरिधाना कलमन्दिररञ्जने अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी
वरदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाग्ने विमलोत्कर्षणे ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिरा बहुला बहुला प्रेमा सर्ववाहन वाहना विशुम्ब शुम्ब हरणे महिषासुरमर्दने मधुकेकवहन्ते च चण्डमुण्डा विनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारी चैव कन्या च केशोरी युवतीरिणे अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा मोदयी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रि तपस्विने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरे शिवज्योति कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादने जायकं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नागाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धान्यं सुखं जायं भयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा जाते रवे मुक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजय परया भक्त्या परे नाम शताष्टकं कस्यचिद्देवे देवी सर्वे सुरभरेरपे राजानो दासतां जान्ति राजक्षेमाप्नुयात् गोलोचनालङ्कुमकुङ्कुमेन सिन्धूरकर्पूरमधूतरेण विलिख्यलङ्कं विधिना विलिख्योपदे सदा धार्यते पुराणे भौमावास्यामग्रे चन्द्रे शनविशाङ्गले विलिख्यं प्रभते स्वचं सा भवे सर्वगा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ब्रह्मा ऋषे अनुष्टव सङ्गः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासो प्रमातरो वीरम् दिगवन्ध देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा विद्यते सप्तशति पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः चण्डिकायै मारकण्डेवाच ॐ जद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य च दाख्यातं धर्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतां विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासोमलकं पुण्यं दशुनुश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमासेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति दशमं नवमं सिद्धिरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तानेकानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाम्
अग्निना देह बाणस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता नातेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं वयं नहि ज्येष्ठ वक्त्रा स्मृता नूनं तेषां वृत्ते प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशया प्रेग संस्थातु चामुण्डावारा हि मयि शासन यद्धि गर्समारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारेशनिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपदला देवी ईश्वरी विश्ववाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येकामातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नोपशोभिता दिश्यङ्गैरसमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं शत्रङ्गलां शक्तिमलं च मुसलायुधं खेडगङ्गमलं चैव पर्णोपासमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं देत्यानां देहनाशाय भक्तानामपवाय च दार्यङ्गायुधानीतं देवानां चैताय मे नमस्ते सुमहारोचे महागौरपराक्रमे महावरे महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणाभयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रियाग्निरावर्णिदेवता दक्षिणेवनुवाराहि नैरित्यां खड्गधारणे पदित्यां वारुणि रक्षे वायव्यामिगवाहने उदित्यां वादु कौमारे ईशान्याक्षूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अगस्तरवैष्णवे तथा एवं दलदिशो रक्षे चामुण्डा शर्वाहन जया मे चन्द्रः पातु विजया पातु वृश्चिकः आयुधा वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योदनी रक्षे उमामूर्धनि व्यवस्थिता बालादरी ललाटे च भुवो रक्षे जिवस्मनि त्रिनेत्रा च भुवर मध्ये जवघण्टा जनासिके सङ्गणे चक्षुषो मध्ये श्रोत्रो द्वारवासिनि कपालौ कालिका रक्षे कर्णमूले तु शङ्करे नाभिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्च जर्जिका अदरे चामृतकः जिह्वायं च सरस्वते दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां मध्यकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धये नीलग्रीवावरि कण्ठे नलिकौ नलकोभरे सगन्धो कर्णि रक्षे बाहु मे पर्जधारिणि हस्त्यो दण्डनि रक्षे अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाजुलेश्वरि रक्षे कुक्षो रक्षे कुलेश्वरि सनो रक्षे महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नवभौतिकामनि रक्षे गृहं गृहेश्वरि तदा भूतला कामिका वेदं कुले महेशवाहने पट्यां भगवती रक्षे चारणे वृन्दवासने व्यङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायने गुरुभ्यो नारसिंहे च पादपृष्ठे तु देनने पादाकुलेश्वरे रक्षे पादसत्कलवासने नभाद्रष्टा कराले च केशाङ्के वर्धकेशने रोमकूपेषु कौबेरि त्वजं भाग्येश्वरे तदा रक्तमज्जावसापास न्यासि वेदान्ति पार्वणे अन्त्राणि कालरात्रि च वित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावति पद्मकोशे कवे चूडामणि तदा ज्वालामुखेन गज्वालायवेद्या सर्वचन्द्र शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां शत्रेश्वरे तदा
अहंकार मनोबुद्धि रक्षणे धर्मधारणे प्राणपाणौ तथा व्यानमुदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभन रजे रूपे च गन्धे च सत्त्वे षष्ठे च शोभने सत्त्वं रजस्त्वमस्यैव रक्षे नारायणे सद आयो रक्षतु बालाये गर्भं रक्षतु वैष्णवे जसा केशे च लक्ष्मे च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रालक्ष्मीर्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवे पङ्कानां सुवकारक्ष्यमार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतास्थिर रक्षारेण रसानं वर्जितं कर्णेन तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशने परमेकं न गच्छेतु जगीशेषमात्मनः वर्णेनाभितो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्त्वदत्तात् लाभश्च विजया सार्वकामिकः गन्धं चिन्तयति कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मधुरं प्राप्स्यते भूतले भवान् देवयो जायते मत्या सङ्ग्रामे च पराजितः ते लोके तु भवेत् पूजः कवचे नामितापमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्त्य सज्जनान्वितः देवी कला भवेत् तस्य ते लोके च पराजितः जीवे वक्षरतं साक्रम् अभिवृत्यो विवर्जितः दक्षन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटपादयः सागरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभिरादश अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूषणः केचन चैव जलजाशोपदेशकाः सहजा कुलजा माला जातुनेशा कलीतः अन्तरिक्षा च राघोरा राकिण्याश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्या वैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचेलिसंस्थिते महावाण्यतिर्भवेराज्ञस्ते यो वृद्धे करं परम् जसः वर्तते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे चतुरदिर्दण्डिं कृत्वा धूमत्वं पुरा जावद्भूमण्डलं दत्ते शशेलवनकाननं तावतिष्ठति मे निर्ण्यौ सन्तते पुत्रपोषके देहान्ते परमस्थानं चतुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादनः लभते परमरूपं शिवेन सह मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्तस्य विष्णो ऋषिः अनष्टवचन्द्रः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशल्लीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः नमः चण्डिकायै मार्तण्डेवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिने दुर्गाक्षमा शिवा गात्री स्वाहा सुधा नमः सुदे जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमः सुदे मधुकैटवविद्रावी विधात्री वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि महिषासुरशरणाशी भक्तानां सुखने नमः अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि रक्तबीजावले देवि चण्डमण्डविनाशने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्रास्य समर्थने अरूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने
रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे अजन्तरूप चरिते सर्वशत्रु विनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे न देव्याः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितामहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे सुभक्त्यो भक्तिपूर्वत्वं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे चण्डिके सदसंज्ञे त्वमर्चयन्तेह भक्तिनः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे भजेहि दुष्कामनाशं भजेहि बलमुच्यकैः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे भजेहि देवि कल्याणं भजेहि परमाक्षयम् रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे सुरासुरशिरो रत्नादिग्रश्च चरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे विद्यावन्तं दशर्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे प्रचण्डनेत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे त्रिष्टेण संसुदे देवि स्वश्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे हिमाचलसुतानाथ संसुदे परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे देहि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशने रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे देहि भक्तजनोदामा दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि जशो जहे पत्नी मनोरमा देहि मनोभृक्तानुसारिणि तारिणि स्वर्गसंसार सागरस्योगुलोकना इदं स्तोत्रं पठित्वा च महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति सङ्ख्या भर्मा प्रणोति सम्बला अथ कीलकम् ॐ अच्च श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टौ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवकम् श्रीलगदम्बाभिर्चासं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिनिर्मिचक्षुषे श्रियाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमादधारिणे सर्वमेवज्ञानीयान् मन्त्राणामविहीनकम् सोऽभिक्षेमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्वकारणादीनि वस्तूनि सकलानि मे एतेन सुगतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते नामद्रोणौषधं तत्र नाङ्गिञ्चेन विविद्यते विना जापेन सिद्ध्यत सर्वमुष्टादनादिकम् समग्रान् विसिद्ध्यन्ति लोकशङ्कां मीमाङ्गलाः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायास्तु तच्चुगुप्तं जगारसा समाप्तिर्नलपुण्यस्य तं यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवन्न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दशमष्टम्यं वा समाहिता ददाति प्रतिगृह्णादीनाण्डशेषापसेदते इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलापि गायेण नित्यं जपति सङ्गुणम् स
ज्ञात्वा प्रारभ्य गुर्वीत न कुर्वान् विनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधेः सौभाग्यादिगणकिं च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं जप्यसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं सन्यस्तु जप्यमानस्मि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव च ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः श्रूयते सा न किं जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यासी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आय गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दमते गिरिवरविन्द्रशिरोगिनि वासिनि विश्वविलासिनि विश्वमते भगवति यज्ञकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिगृहे जय जय हे महिषासुर Thank you.
से पहले क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध कास्ते मया
परमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजा चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे त्वत्पूजितं परमेश्वरे जगमाता सच्चिदानन्द विद्रहे देहानामिमामृता प्रसीद परमेश्वरे गुह्याति गुह्या गोपीता ज्योता बाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा श्री राम बाली दा भोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ। हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चार नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सच्चियां ज्योता माता तेरी सदा जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार। अभी
आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। रक्षांसि यत्रो गविशाश्च नागा यत्रार्यो दस्यु बलानि यत्र दावार्लो यत्र तथाब्दि मध्ये तत्र सदा तं परिपासि विश्वम्। देवी या राक्षस या भयंकर विश्व वाले सर्प या शत्रु या लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तुम परिपासि विश्वम विश्वात्मिका धारे सीधी विश्वम विश्वेश वंद्या भवती भवंती विश्वास्याये त्वयि भक्ति नम्रा। विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। प्रणतानाम प्रसीदत्वम देवी विश्वार्थी हारिणी ते लोक के वासिनाम ईडे लोकानाम वरदा भव। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो वो त्रिलोक निवासी पूजना परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। इस जगत में जभी जभी भी केवल हम ही भक्तों पर नहीं सब देवताओं पर राजा महाराजाओं पर अथवा दैत्यों पर भी कोई संकट का आन पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर किया है। प्राचीन काल में त्वष्टा नाम के एक बुद्धिमान प्रजापति थे जो देवताओं का कार्य करने में अधिक कुशल थे, परंतु वो इंद्र से द्वेष रखते थे। अतः उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए एक तीन सिरों से युक्त तृषा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। अर्थात जिसके तीन सिर थे वो एक मुख से वेदाध्ययन करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था। पिता त्वष्टा ने उसको तपस्या करने का अनुरोध किया और वो संयम पूर्वक आहार का त्याग करके तपस्या करने लगा, जिससे इंद्र का सिंहासन डोल गया और तब इंद्र भगवान ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, परंतु जब वो इसमें सफल नहीं हो पाए तो स्वयं इंद्र भगवान ने अपने तीव्रगामी आजुद वज्र द्वारा तृष्णा का वध कर दिया, जिससे पिता त्वष्टा बड़े दुखी हुए और उन्होंने पुनः अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा एक और पुत्र को उत्पन्न किया। अथर्ववेद के मंत्रों द्वारा होम किया, इससे एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने वित्तासुर रखा। वित्तासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का ऐरावत हाथी छीन लिया, जिससे पिता त्वष्टा यद्यपि प्रसन्न हो गए परंतु उन्होंने और शक्ति का संचय करने के पुत्र वित्तासुर को परामर्श दिया और वित्तासुर ने ब्रह्मा जी की आराधना करके अवध्यता का वरदान प्राप्त कर लिया। अर्थात पुनः अस्त्र से न शस्त्र से न दिन में न रात से रात में उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार का वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया, जिससे सभी देव बड़े दुखी हुए और मनुष्य की भांति पृथ्वी पर बेचैन लगे। तब सभी देवगण ब्रह्मादास शंकर जी साथ लेकर के वैकुंठ विवाह विष्णु के पास गए और उनसे आराधना की प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे वित्तासुर को वध हो सके, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा बन गया है और उसने हमको स्वर्ग से निकाल दिया है। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को उपदेश देते हुए कहा, परामर्श देते हुए कहा कि वित्तासुर को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो ना दिन में ना रात में ना अस्त्र ना शस्त्र से उसकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए उसको छल कपट द्वारा ही मारा जा सकता है। उसके साथ संधि कर लेनी चाहिए और फिर छल कपट द्वारा उसका वध कर देना चाहिए और दूसरा हमको दुर्गा माता की आराधना करनी चाहिए जिससे माँ उसकी बुद्धि को मोहित कर दें और वो सुगमता पूर्वक मारा जाए। स्वयं इंद्र भगवान ने उसके साथ मैत्री कर ली और वह कभी नंदन वन में कभी समुद्र किनारे विहार करते हैं। एक दिन संध्या के समय दोनों समुद्र किनारे विहार कर रहे थे, उस समय इंद्र के मन में आया कि
ये संध्या का समय है, ये ना दिन है ना रात है, इसी समय इनकी मृत्यु हो सकती है, परंतु ना ये अस्त्र द्वारा मारा जा सकता है ना ही शस्त्र द्वारा, इसलिए क्या करना चाहिए। तब इंद्र भगवान ने अपने वज्र को समुद्र के फेन से आलेपित कर दिया, भगवान विष्णु अपने अंश में उसमें प्रविष्ट हो गए और दुर्गा माता का ध्यान करके वज्र वित्तासुर फेंका, जिसके उससे मृत्यु हो गई। अपने दूसरे पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके पितात्वष्टा बड़े दुखी हुए और उन्होंने इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप दे दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वो स्वर्ग छोड़ करके मान सरोवर में कमल के नाल में जो शुभ करके रहने लगे। स्वर्ग में इंद्र के न होने से अराजकता फैल गई, स्वर्ग भय शून्य हो गया। तब सभी देवताओं ने मिल करके राजा जो नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। नहुष भले ही धर्मात्मा थे परंतु स्वर्ग की राजसी वृत्ति के कारण वो इंद्राणी पर विश्वासक्त हो गए। इंद्राणी पहले ही अपने पति वियोग में दुखी थी, जब उसने देखा कि ये दूसरा राजा नहुष मुझ पर विश्वासक्त है तो वो देवगुरु बृहस्पति की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की। तब गुरु जी ने उसको भी दुर्गा माता जी की आराधना करने का परामर्श दिया। इंद्राणी ने विधि पूर्व माता जी की आराधना की, तब माता जी प्रकट हुई, उसको दर्शन दिया और अपनी एक दूती के साथ इंद्राणी को भेज करके मान सरोवर में उसको अपने पति इंद्र के दर्शन करवाए। तब इंद्राणी ने सारी स्थिति से इंद्र को अवगत कराया कि किस प्रकार जो दूसरा राजा नहुष है वो मेश्वर बेशासक्त है। उस समय इंद्र भगवान ने इंद्राणी को परामर्श देते हुए कहा कि इंद्राणी मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ, तो वह करना, तू एकांत में नहुष से मिलना और उसे कहना कि जिस प्रकार शंकर भगवान बैल पर आरूढ़ रहते हैं, भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पर विराजमान है, इसी प्रकार आप भी ऐसे विलक्षण वाहन पर आइए जिसका वहन सप्तऋषि कर रहे हूँ। उसकी बुद्धि को माता जी मोहित कर ही दिया था, तब उसने कहा ठीक है और सप्तऋषियों को पालकी का वहन करने लगा दिया, स्वयं इसमें बैठ गया और जहाँ तक कि अगस्त ऋषि के सिर को उसने पैर से छुआ और सर्प सर्प कहा, तब अगस्त ने उसको सर्प होने का ही श्राप दे दिया, अर्थात वो स्वर्ग से च्युत हो गया, गिर गया और पुनः इंद्र भगवान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं देवता या घोर संकट पड़ जाते हैं, उस समय वे भी इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुणी के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुहा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान का वरदान प्रदान कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चरणामृत ग्रहण करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक्त प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्त प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जी बिच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ह्रीं के चारण से आपको दूध, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति, नेक कमाई, हर प्रकार की मनोकामना, घर, गृह, देश विदेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीन के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आपके शत्रुओं तथा रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जय विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले।
दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है सभी भक्तों उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री जयपाल जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल जी। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आओ मात जी थोड़ा मंदिर सजाया है। 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 जोत जगा के थानु घर च बुलाया है। जोत जगा के थानु घर च बुलाया है। सोने का गढ़ वते गंगा जल पानी माँ
ਆਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਾਂ ਰਜਨਾਨ ਰਚਾਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕੇਸਰ ਲੋਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਹੈ प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरवाली का पहाड़ों वाली जल भरने ਵਾਲੀ
अपनी बगल उठाई दरबारों वाली जल भरने Yeah.
विश्व विधाता मालक कुल है सारी माता जे है दाता मालक कुल संसार की माता ये है दाता विश्व विधाता मालक कुल है सारी माता ये है दाता गागर वचन सुनाए गंगा माने हाथ बढ़ाए पकड़ी गागर वचन हो देवा मैं आज से तुझको देवा मैं आज से तुझको तुझे को तेरा मैं आज से तुझको अपनी भेंट चढ़ाई दरबारों वाली जल भर जाते माँ मुस्कुराते भक्तों को माँ वचन सुनाते जाते जाते माँ मुस्कुराते भक्तों को माँ वचन सुनाते जाते जाते माँ मुस्कुराते भक्तों को माँ वचन सुनाते जाते जाते माँ मुस्कुराते भक्तों को माँ वचन करती गंगा माता सुमिरन करती ओ गंगा माता सुमिरन करती गंगा माता सुमिरन करती गुफा में आन समाई दरबारों वाली अभी एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल जी जय करो श्री रामलीला मुझे माँ अपने चरणों में बजा लो मेरे को
क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लो जी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा बसा लोगी तो क्या होगा न मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ नदानी हूँ न मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ नदानी हूँ न मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ नदानी हूँ न मैं ज्ञानी न योगी हूँ तपस्वी हूँ नदानी हूँ तेरे जुमिरन की आशा है करा लोगी तो क्या होगा करा लोगी तो क्या होगा मुझे भाई अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा मुझे भाई अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा जहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के जाने यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी है यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी है यहाँ कोई नहीं मेरा सभी मतलब के साथी दया कर मुझको सुत अपना बना लोगी तो क्या होगा बसा लोगी तो क्या होगा अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा यहाँ सब मुझसे कहते हैं तुम्हेरा है तुम्हेरा है यहाँ सब मुझसे कहते हैं तुम्हेरा है सब मुझसे कहते हैं तुम्हेरा है तुम्हेरा है यहाँ सब मुझसे कहते हैं तुम्हेरा है तुम्हेरा है मैं जिसका हूँ ये झगड़ा तुम चुका दोगी तो क्या होगा जिसका हूँ ये झगड़ा तुम चुका दोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ सुबह से शाम तक जग के झमेलों में भटकता हूँ सुबह से शाम तक जग के बड़ा बेचैन रहता हूँ संभालोगी तो क्या होगा बड़ा बेचैन रहता हूँ संभालोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा चरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा चरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा सुना है आज तक तूने अनेकों बात की तारे सुना है आज तक तूने अनेकों बात की तारे सुना है आज तक तूने अनेकों बात की तारे सुना है आज तक तूने अनेकों बात की तारे उन्हीं में बिंदु झा पापी मिला लोगी तो क्या होगा उन्हीं में बिंदु सा पापी मिला लोगी तो क्या होगा मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी बुला लोगी तो क्या होगा शरण में मुझको भी अपनी
बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा, मुझे माँ अपने चरणों में बसा लोगी तो क्या होगा। जय करा श्री राम, बोल सच्चे द्वार की जय। जगदम्बिके जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ, जगदम्बिके जय जय जगजननी माँ, जो पाऊं
से तन मन सच्चे दरबारी की जय। प्रातः नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश रक्षा ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनि मोहन शील लीला चंडी समस्त सुर मुक्ति मनेश रूपा सचिया काली माता सदा जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिक्रमादित्य शुभ संवत 2075 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु वैशाख मास की आज 3 प्रविष्ट हैं। कृष्ण पक्ष की आज अमावस तिथि है। अमावस आज प्रातः 7:27 तक है। तत्पश्चात वैशाख शुक्ल प्रतिपदा है और आज ही प्रतिपदा का खेल भी है। सोमवार तदनुसार 16/5/2018 के दिन दुर्गा माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज विशेषतया सोमावती अमावस के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के दिन स्नान जब पूजा पाठ का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आप सभी का माता जी के इस दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव सौभाग्यवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव दारी धर्म दलने व्यापार दत्तो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तु शीर्वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आभिधान शुभ मानम महीयते धनम धान्यम पशु भव ज्ञान लाभम शत्स वस्त्र दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती है। सभी बोलिएगा ओम जय अम्बे गौरी मैया जय
मैया खड़ग कपर धारे सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत दिन के दुख हारे ओम जय अम्बे हरे कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नाला के सच्चे दरबार की जय।
मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे मैं अब तोड़ कर सारे दुनिया के फंदे मैं अब तोड़ कर सारे दुनिया के फंदे तुम्हारी भवानी शरण आ गया तुम्हारी भवानी शरण आ गया बिना ज्ञान के हो गए कर्म कारे बिना ज्ञान के हो गए कर्म कारे करने को शुद्धि करण आ गया हूँ करने को शुद्धि करण परम पूजनीय श्री पुजारी जी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे तत्पश्चात माता जी आरती होगी आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना प्रेम से बोलो जय माता दी रामले बोलो जय माता दी आहे वेला जय माता दी राधा वेला जय माता दी आरती वेला जय माता दी आप बुलांदी जय माता दी कष्ट मिटांदी जय माता दी मेरा करदी जय माता दी ढोलियां भरदी जय माता दी भरे खजाने जय माता दी टोला आने जय माता दी गोदा भरदी जय माता दी वीर दंदी जय माता दी लाल दंदी जय माता दी माने सुनिया जय माता दी मुट्ठी बोलो जय माता दी हाथी बोलो जय माता दी ताली बजा के जय माता दी जोता वाली जय माता दी लाटा वाली जय माता दी डोलियां वाली जय माता दी दुनिया वाली जय माता दी चोड़ियां वाली जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी मुंडा वाली जय माता दी झंडिया वाली जय माता दी झंडिया वाली जय माता दी द्वारा वाली जय माता दी भवना वाली जय माता दी मेरा वाली जय माता दी गुफा वाली जय माता दी हाथ धोवाणी जय माता दी दत्त कल्याणी जय माता दी मामा रानी जय माता दी हिंदी रानी जय माता दी गायक जय माता दी वाली माता तेरी सदा जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो रहि यशो देहि दिशो रहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा जय माता दी।
लक्ष्मी सरोज तिलम गंडा
चक्रम धनु सायकम शेतांशतुल्य प्रभाम गौरी देह समस्तवांश जगतम आधार भूतामहम पूर्वामद्र सरस्वती मनोहरे शुम्भादि दैत्यार्दिनी तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव अग्रेव विद्या कविनां त्वमेव त्वमेव सर्वम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् ज्योतिर्विद्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभवरणम् सर्वलोकैकनाथम् अच्युतम् केशवरामनारायणम् विष्णुदामोदरम् श्रीधरम् माधवम् गोपिकावल्लभम् वन्दीनायकम् चिरामचन्द्रम् हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपालमाकं शरणं वदेहि शरणं वदेहि विद्यापतेहि नमोऽस्तु ते हे मयि मेरी सचिया ज्योता वाले माता तेहि सदा पञ्चभूला राणी माता तेहि सदा भारे संहारे शान्ति देन वाले माता तेहि सदा लोङ्कडा वीर ठाकुर तेहि सदा दरबार की धर्म की जाओ धर्म की जाओ धर्म की जाओ अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो रानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत हो महान हो भारत हो महान हो भारत हो महान हो हरे हरे हर महादेव बोलो बाबा श्री हरि की जय सनातन धर्म की गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की पूज्य माता पिता की बोलो सच्चे दरबार की जय कामना पूरी हो भगवती माता रानी आपकी चोलियां खुशियों से भरे और आप सबको जल्दी जल्दी अपने दरबार में बुलाए बोलो सच्चे दरबार की ठंडी ठंडी पूरे जोश से बोलिए बोलो सच्चे बोलो सच्चे जय माता दी Thank you.
Thank you.